हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा, आज आपको एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पे आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ कि कमज़ोर शनि के फ़ायदे, शनि कुंडली में दुर्बल होने के क्या फ़ायदे। ठीक है, इसके लिए मैं बाकायदा आपको रेफरेंस भी दूंगा। इसके पहले एक मैं आगे बढ़ूँ, अपना थोड़ा सा परिचय दे दूँ कि भैया ये मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, कुंडली विश्लेषण के लिए किसी जातक को संपर्क करना है तो मेरे इस नंबर पे कॉलिंग नंबर भी है और ये व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है, आप मुझे इस पे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और ये मेरा एड्रेस है। कई बार ये होता है कि ये मेरा नंबर नहीं लगता है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, कई बार इंगेज रहता है नंबर तो व्हाट्सएप करने से भी आपका काम हो जाएगा। व्हाट्सएप में एक सूचना दे दो आप तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि शक्तिशाली शनि, षडबली शनि होने से नुकसान होता है, ऐसा सारावाली ग्रंथ में लिखा है। कहीं कोई ज़्यादा रेफरेंस नहीं मिले हैं, सारावाली नामक ग्रंथ में इसमें लिखा है। और ये सारावाली बहुत पुराना ग्रंथ है, लगभग 800 साल पुराना ग्रंथ है सारावाली। ठीक है, और लगभग इस ग्रंथ को समस्त भारत के एस्ट्रोलॉजर मान्यता देते हैं। ठीक है, सारावली के चतुर्थ अध्याय में लिखा है कि गुरु ज्ञान है, ज्ञानम गुरु और शनि है कारणश दुखम। ठीक है, तो मूल जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि भाई जो ग्रह यदि दुख देता है, ठीक है, और वो ग्रह यदि बहुत बली होगा तो भाई आपके दुख को बढ़ाएगा, कम थोड़ी करेगा। ठीक है, ऋषि पाराशर ने भी कहा है कि भाई यदि को शनि दुख स्वरूप है, ठीक है, और गुरु ज्ञान है, बुधवाणी है, मंगल सत्व है, और चराचर की आत्मा सूर्य जो आत्मा कहलाता है, चंद्रमा मन कहलाता है। तो भैया यदि सूर्य बलि होगा तो आत्मा बलि, चंद्र बलि होगा तो मन बलि, मंगल बलि होगा सत्व बल ताकत बड़ी, बुध बलि होगा तो वाणी बलि, है ना, गुरु से ज्ञान बलि, शुक्र से सुख मिलेगा और वीर शनि से दुख मिलेगा। यदि शुक्र बलि हो गया तो दुख मिलेगा, तो इस तरीके की बात आई है। तो शनि के कारकत्व तो आप जब जानते ही है कि शनि का कोई बहुत पॉजिटिव कारकत्व होते ही नहीं, नेगेटिव बात होती है इसमें। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि इसमें क्या रेफरेंस है और ग्रंथ में क्या बताया। वीडियो छोटा सा है और बड़ा मज़ेदार है, और ये इसमें चीज़ें अब ये विद्वानों की, विद्वान पुरुषों के लिए ये वीडियो है, आम जनता के लिए तो है, खासकर जो एस्ट्रोलॉजी के नए छात्र हैं जिनको बड़ी रुचि है, वो सीखते रहते हैं अनेकों वीडियो देख के, तो वो ये ग्रंथ जरूर करें। सारावली का ग्रंथ है कल्याण वर्मा का, लगभग 800 साल पुराना ग्रंथ है ये। ठीक है, और मुरलीधर चतुर्वेदी जी ने इसकी टीका लिखी है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मोतीलाल बनारसी दास संस्थ इसको निकालता है, तो ये चतुर्थ अध्याय में लिखा है स्पष्ट, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि सारावली के चतुर्थ अध्याय में लिखा है कि चंद्रमा जो है बृहस्पति ज्ञान है और शनि दुख है और राहु को लिखा मद। ठीक है, तो इस विषय में भी मैं थोड़ी सी चर्चा बाद में करूँगा, आज तो नहीं, कि राहु मद है क्यों, मद का मतलब नशा होता है। तो संस्कृत की ऑप्टिक डिक्शनरी मैंने देखा था कि मद का क्या क्या मतलब होता है, क्योंकि वो अब राहु का आज विषय नहीं है तो अपन बात आगे हो जाएगी। इसमें लिखा है चतुर्थ अध्याय का दूसरा नंबर का श्लोक है, आत्मोदयो गगन गैवरली भीरवतरा दुर्बले दुर्बलास्ते तु विपरीतम सनेह फलम। मतलब जन्म काल में आत्मादि मतलब सूर्य से लेके केतु तक ग्रह बलि हो तो जातक को आत्मादि भी बलवान होते हैं। मतलब उन्होंने कहा है कि जो ग्रह जैसे सूर्य से लेके चंद्र, बुध, मंगल आदि आदि, ठीक है, गुरु शुक्र तक, लेकिन कहा है कि ये यदि ग्रह बलवान होंगे जैसे कि सूर्य, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, ये ग्रह बलवान होंगे तो यदि सूर्य बलवान होगा कुंडली में तो आत्मा बलि, है ना, और यदि चंद्रमा तो होगा तो मन बलि, यदि बुध हो तो वाणी बलि, और यदि गुरु हो तो ज्ञान से बलि होगा आदमी। ठीक है, उसी मंगल होगा तो बल होगा उसके पास, तो ये सब बलि हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये सारे ग्रह बलि हो तो कोई दिक्कत नहीं। अपवाद क्या बोला है, जिसकी कुंडली में सूर्य पूर्ण बलि हो उसकी आत्मा बलवान कठोर होती, इसी प्रकार अन्य भी यदि आत्मादि ग्रह निर्बल हो तो आत्मा भी दुर्बल होती, एवं शनि का फल विपरीत बोला उसने।
एवं शनि का फल विपरीत होता है। अर्थात ऊपर के श्लोक में शनि को दुख बताया गया, यहां ऊपर के श्लोक में शनि को दुख बताया गया, ठीक है। इसलिए यदि शनि निर्बल हो तो दुख भी अल्प ही होगा, ये काम की बात है भैया। यदि शनि निर्बल हो तो दुख भी अल्प होगा, और इसका रेफरेंस लघु जातक में भी आता है। जो टीकाकार ने लिखा है कि कोई लघु जातक, मैं तो नहीं देखा यार लघु जातक कौन सा है, तो लघु जातक दूसरा अध्याय का एक और दो श्लोक में ये रेफरेंस मिलता है, ठीक है। अब तो मैंने, मेरे को एक ही मात्र ऐसा ग्रंथ मिला कि जिसमें ये चर्चा किया, लेकिन एक मैंने और ग्रंथ देखा, खासकर वो ग्रंथ है, उसके भी दर्शन कराता हूँ, व्यवसाय का चुनाव, ये मैं किताब पढ़ रहा था, तब मुझे ये चीज़ देखी है। जगन्नाथ भसीन साहब ने एक रेफरेंस में दिया है, और ये लिखा जगन्नाथ भसीन साहब के 13वें पेज में, ये नीचे, प्रत्येक ग्रह अपने मित्र ग्रह की राशि में हो तो बली समझा जाता है, शत्रु की राशि में पड़ा हुआ ग्रह निर्बल हो जाता है, बलवान शुभ ग्रह धन आदि सो फल देता है, अशुभ ग्रह बलवान हो तो दरिद्रता आदि अशुभता को बढ़ाता है। तो मैंने ये दो ही ऐसे बुक ग्रंथ में मेरे को ये चीज़ मिल पाई, अशुभ ग्रह बलवान हो तो दरिद्रता आदि अशुभता को बढ़ाता है। तो जनरली जो एस्ट्रोलॉजी के जो जातक है, उनका कई बार होता है कि हमारे जब जातक हमसे ये जानना जरूर चाहते हैं कि साहब शनि कैसा है मेरा, शनि कैसा है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या होता है, शनि बलवान होगा तो मैं दुनिया को जीत लूँगा, ठीक है। लेकिन ये वीडियो ठीक उसके उलट है, शनि कुंडली में कमज़ोर होना चाहिए, बलवान नहीं। अब बात आके कहाँ अटकी कि शनि भैया कैसे कमज़ोर होना चाहिए, क्या षडबल में कमज़ोर होना चाहिए, है ना, क्या शनि षडबली कमज़ोर होना चाहिए या शनि नीच का होना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि षडबली भी शनि नहीं होना चाहिए, है ना, और शनि यदि नीच का हो गया तो भी कोई दुख की बात नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। यदि शनि नीच का भी हो गया तो कोई बात नहीं है, बल्कि शनि उच्च का हो गया तो हमको तकलीफ देगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो ये एक अनुसंधान का विषय है, खासकर ज्योतिष प्रेमियों के लिए है, क्योंकि मेरे वीडियो के टाइटल और सब एकेडमिक वीडियो रहते हैं, पढ़े लिखे बुद्धिमानों की बात है, ठीक है। तो ये बुद्धिमानों का चैनल है, बुद्धिमानी की बात है, और तो ये मैंने एक टॉपिक दिया हूँ। अब आप लोगों को ज़रूर देखना कि आपके आज अभी जस्ट मैं कुंडली देख ही रहा था, तो ये उसको मैं, उसका कुंडली तुला लग्न की थी और शनि चतुर्थेश और पंचमेश होकर शुभ था, ठीक है, और 12वें स्थान बैठा था। उससे मैंने पूछा कि शनि कैसा है, तो बोले शनि की दशा मेरे को बहुत तकलीफ हो जाएगी, जो कि ऋषि पाराशर के हिसाब से भी तुला लग्न की कुंडली में शनि चतुर्थेश और पंचमेश होकर शुभ है। तो कुछ कुंडलियों में मैंने शनि उच्च का भी होगा देखा, बहुत तकलीफ आती देखा, तो इससे इसका मतलब है तो शनि दुख का है। मेन तो चीज़ यही समझ में आती है कि यही मेन बात है यार, शनि कालनस दुखम, शनि दुख है और गुरु ज्ञान है, ठीक है। तो सीधे सीधे ये बात आती है कि भाई उसका कारकत्व है दुख देने का, तो दुख देगा शनि, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो रहा आप लोगों के लिए, जानकारी मैंने शेयर किया है, और अब मुझे आगे ये इंटरेस्ट जरूर होगा कि ये जो राहु है इसको मध्य बोला है, ठीक है, राहु को सारावाली ने बोला है कि ये मध्य है, मध्य, ठीक है। तो उसमें भी मेरी रुचि है कि यार ये मध्य बोला तो मध्य का क्या मतलब होता, यहाँ स्पष्ट लिखा है कि राहु मध्य है, ठीक है। तो इसमें भी मैं एक छोटा सा वीडियो बना के जरूर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये मध्य का क्या मतलब है, और आप सब जानते हो कि जब राहु की दशा चलती तो वो तकलीफ होती है। तो भैया ये छोटा सा एक टॉपिक था जिस पर आज मैंने वीडियो बनाया है, बात बहुत छोटी सी थी लेकिन बड़ी मंथन की विषय है, और मेरे पास कोई रेफरेंस है नहीं ज़्यादा, एक सारावाली का रेफरेंस दिया, सारावाली 800 साल पुराना ग्रंथ है, इसलिए मैं दावेदारी से बात अपनी रख सका। और रही बात जगन्नाथ भसीन साहब की, तो जगन्नाथ भसीन साहब जो ऐसे राइटर है, जो बड़े नामी राइटर है, और जगन्नाथ भसीन का साहब का भी डेथ हो गया है, तो ये कोई अभी के वर्तमान के हैं, कम आज से सन 90 के आसपास का इनका बोलबाला था, नहीं उसके पहले ही कही 70-80 के आसपास का बोलबाला था जगन्नाथ भसीन साहब का। और जगन्नाथ भसीन साहब ने बहुत एक से किताबें लिखी है, जो व्यूअर्स इसमें एस्ट्रोलॉजी से इंटरेस्ट लेता है उसको जगन्नाथ भसीन की किताबें पतली है और सस्ती भी है, ठीक है, जगन्नाथ भसीन साहब की किताबें ज़रूर खरीदनी चाहिए, सीखने को मिलता है, जगन्नाथ भसीन साहब की किताब से सीखने को मिलेगा। तो जो किताब से हमको बहुत सीखने को मिले, जिसमें हमको कुछ फलित के सूत्र लिखे हों, वो किताब को हमको ज़रूर ले लेना चाहिए, और अपनी छोटी सी लाइब्रेरी में
हमारी ज्योतिषाचार्यों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि उनकी लाइब्रेरी में अच्छी किताबों का संग्रह है और वो अच्छी किताबें पढ़ते हैं और जातकों को अच्छे फलित देते हैं, एकेडमिक हैं, जानकार हैं, लुच्ची बातें नहीं करते हैं, लुच्चापन नहीं करते हैं, डराते नहीं हैं, है ना। तो ये एक विद्वान होने की भी बात है कि हम अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा समझेंगे, है ना। ठीक है, पैसे के लिए तो आदमी थोड़ा उंगली सब टेढ़ा करते हैं भाई, लेकिन ज्योतिष के मूल स्वरूप, मूल सिद्धांत खो ना जाएँ, बने रहें, इसका बात है, है ना। तो इतना बोल के मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। यदि मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे कि वीडियो बनाने वाला का थोड़ा हौसला बढ़ता रहे। और मालूम है हमारे व्यूवर्स कम हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति के हाथ में वीडियो लगेगा तो उसको लगना चाहिए यार कुछ एकेडमिक काम की बात बताया है, ये चीज़ चैनल से कुछ हमको सीखने को मिला, तो उद्देश्य नहीं तो फिर लोग रेफरेंस बताना पसंद नहीं करते, वो बिल्कुल नहीं बताते कि हम ये कहाँ से बोल रहे हैं। आप किसी एस्ट्रोलॉजर को देखना चैनल में, कभी रेफरेंस नहीं बताएगा वो, भाई रेफरेंस बताएगा तो आप पढ़ लोगे तो फिर उसका महत्व ख़त्म हो जाएगा, तो रेफरेंस नहीं बताता, ये बड़ी बदमाशी है। जो विद्वान आदमी है वो रेफरेंस बताएगा कि यह मेरे मन की उपज है कि शास्त्रोक्त बात कर रहा हूँ। जो इंटेलिजेंट पर्सन है, विद्वान आदमी है, ईमानदार है, वो कहेगा साहब ये कोई रेफरेंस मेरे मन का है, मेरी खुद की उपज है, मेरा अनुसंधान है। और ईमानदार आदमी तो बता देगा साहब ये मेरा रेफरेंस नहीं है, मेरा अनुसंधान नहीं है, फला ग्रंथ में ये यहाँ लिया है, उससे मैं लेके आपको ये विश्लेषण कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। तो इसका ज़रूर ध्यान रहो कि कैसे हमारे यूट्यूब के चैनल में कोई व्यक्ति हमको रेफरेंस नहीं देता है। 10% एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जिसमें कुछ हैं, जैसे एक भदौरिया साहब भी बहुत अच्छे ज्योतिषी और रेफरेंस देते हैं। सप्तऋषि चैनल में भी बहुत सारी चीज़ें हमको कामने को सीखने को मिलती है। और हमारे जैसे श्रवण झा साहब हैं, उनका चैनल एस्ट्रो ट्रुथ, उससे भी मेरे को बड़ा सीखने को मिलता है। बीपी गोयल साहब है, उनका भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलते हैं। शारदा मैडम है, एक शारदा का चैनल है, अनुराधा शारदा, उनका भी बड़ा अच्छा है। नितिन सर है, उनका भी सर अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें वो सिखाते हैं। तो भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है, अच्छे चैनल भी है जो हमको ज्ञान देते हैं, और हमको ज्ञान लेना चाहिए और ज्ञान को बांटना चाहिए, है ना। इतना बोल के मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।